हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का रिवीजन टेस्ट, जो कि हरिद्वार से परीक्षा भी चल रही हैं, इसका विकल्प का आंसर समाधान आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के विकल्पों को। हमारा प्रश्न क्रमांक जो पहला था वो था बच्चों सही विकल्प, जिसमें पहले प्रश्न में पूछा गया था कि पांच जगत प्रणाली के वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, नहीं पांच जगत वर्गीकरण की जो है जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे। तो आंसर में बच्चों ऑप्शन में लीनियस, बेंथम, हुकर और व्हिटकर दिए थे। तो यहाँ पर आपको इसका व्हिटकर आंसर सही कर कर आना है, क्योंकि उन्होंने पाँच जगत प्रणाली को दिया था। दूसरा जो था आपका वह नंबर का वो था एगार का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन में थे शैवाल से, कवक से, बायोफारण से, सभी से। तो इसका सही आंसर है शैवाल से। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि केंद्रक की खोज किसने की। तो आंसर में थे स्लीडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, मेंडल ने। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो दस नंबर का आप सबका प्रश्न था कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध से, पेप्टाइड बंध से, हाइड्रोजन बंध से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड बंध से। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न था कि ईस्ट को कोशिका चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर था 90 मिनट। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि रिक्त स्थान का था। रिक्त स्थान में आपका बच्चों जो पहला प्रश्न था वो पूछा गया था कि अवपंक कवक खालिस्तान प्रोटिस्टा है, तो कौन सा प्रोटिस्टा है ये, एक कोशिकीय। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि लिवर वर्ट खालिस्तान वर्ग का सदस्य है, तो ये ब्रायोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा वर्ग होता है उसका ही। और तीसरा था कि सबसे छोटी कोशिका है, तो शुक्राणु कोशिका। इसके बाद चौथा प्रश्न था कि सभी एंजाइम खालिस्तान होते हैं, तो प्रोटीन। और पांचवा था कि भारत बहुकेंद्रकीय कोशिका को खालिस्तान कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। यहाँ पर जो मिसप्रिंट था भारत, है ना, आपको सही कर लेना, बहुकेंद्रीय कोशिका को क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका, सिर्फ इतना आना था। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें 77 दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया था कि दो युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, तो ये गलत है, प्लाज्मोगैमी नहीं कहते। दूसरा प्रश्न था कि दू निषेचन के एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, तो ये सही है। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम, तीसरा प्रश्न था कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, राइबोसोम ही करते हैं। और चौथा था कि डीएनए में न्यूरोसिल नामक क्षार पाया जाता है, न्यूरोसिल नहीं बच्चों, ये यूरेसिल है, मिसप्रिंट है पेपर में, कि यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है डीएनए में, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ठीक है, उसकी जगह पर थायमिन पाया जाता है। और उसके बाद पांचवा था कि जायगोटिन अवस्था में कियाजमेटा का निर्माण होता है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद हम आते हैं हमारे चौथे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये था सही जोड़ी का। तो सही जोड़ी बच्चों इसमें दी हुई है आपको, इस प्रकार से आएंगे, या आगे पीछे लिखी होंगी, लेकिन आपको ये वाले पॉइंट इसी प्रकार से लिखे होंगे। तो एस्कोमाइसिटीज को आपको पेनिसिलियम से जोड़ कर आना है। सेलेजिनेला का आंसर जिम्नोस्पर्म है। पादप कोशिका सेलुलोज से संबंधित है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एस प्रवस्था डीएनए प्रतिकृति की होती है। तो ये थे बच्चों आपके बायोलॉजी के विकल्पों के आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको हम और भी पेपरों के वीडियो बनाकर दे सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद।